मूल निवास भी आपके लिए एक अनिवार्य दस्तावेज हो गया है। उसको बनाने के लिए काफ़ी सारे दस्तावेज, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसको आप ई मित्र पे देते हैं, उसके बाद आपका मूल निवास तैयार होता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से मूल निवास का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अपना मूल निवास तैयार करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिलेगा एसएसओ आईडी, यहां पर एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद दिए गए कैप्चर कोड को एंटर करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी जो है एसएसओ आईडी ओपन हो जाएगी। एसएसओ आईडी ओपन होने के बाद में यहां पर आपको ई मित्र का ऑप्शन मिल जाता है। आपको नहीं पता है कि किस प्रकार से आप अपनी एसएसओ आईडी को सिटीजन ई मित्र में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है सिटीजन ई मित्र लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन और ई मित्र की जो आईडी होती है वहां पर ई मित्र लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज करना है, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र सेवाएं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप टाइप करेंगे बोनाफाइड, तो आपको ये सर्विस मिल जाएगी। आपको सबसे फर्स्ट वाली सर्विस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको जरूरत पड़ती है अपने जन आधार की। एंटर करने के बाद में आगे बढ़ पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप सिलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड में जन आधार बेस्ड फैमिली मेंबर शो करना चाहते हैं या फिर आधार बेस्ड, यानी अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उसके माध्यम से आप ओटीपी लेना चाहते हैं या फिर जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हैं उसके माध्यम से। फिर शो फैमिली मेंबर्स पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में उस जन आधार में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति का आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। वेरीफाई एंड फिटेज डिटेल पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर एंटर है उस पर आपको एक ओटीपी मिल जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे तो उस व्यक्ति से संबंधित उसकी जानकारी यहां पर ओपन हो जाएगी। इस जानकारी में आपको कुछ चेंजेस लगे तो रिफ्रेश करके भी आप जानकारी वापस से ले सकते हैं। आपका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, आपकी जेंडर, जन आधार आईडी। यहाँ पर आपको श्रेणी नहीं मिले तो आपको चूज करना है। मैंने पहले फॉर्म भर रखा इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली चूज है। तो यहाँ पर आप अपनी श्रेणी चूज करेंगे, माइनॉरिटी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी व्यवसाय स्थिति, मेरिड है, अनमेरिड है, विधवा है, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। राशन कार्ड नंबर, मतदाता पैन कार्ड, ये जो चीजें हैं माइनॉरिटी है आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी कोई जरूरत होती नहीं है। विटेज एड्रेस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वर्तमान पता, आप ग्रामीण है या फिर शहरी, उसे चूज करेंगे। आपका जो एड्रेस है वो जन आधार से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका राज्य राजस्थान रहेगा। यहाँ पर आप अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, पंचायत समिति को सिलेक्ट कर लेंगे, ग्राम पंचायत, उसके बाद आप अपने गाँव को सिलेक्ट करेंगे। अब आपका वर्तमान और स्थायी पता सेम है तो इस चेक मार्क को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से अगला बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर ई फॉर्म ओपन हो चुका है, मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पर पत्र। शीर्षक में यानी आपको यहाँ पर श्री, श्रीमती या फिर सुश्री है जिसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेवंथ प्रकार यानी आप कोई महिला यहाँ पर अप्लाई कर रही है तो पति का नाम फिल कर सकती है, और कोई जेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा है तो पिता का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पर अपने गांव का नाम यानी पिता पति का मूल निवास आपको यहाँ पर एंटर करना है, यानी आपके गांव का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद पिता का व्यवसाय, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ मजदूरी। आपके पिता का कोई अलग व्यवसाय हो तो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। पिता का या पति का व्यवसाय का पता तो आप अपने गाँव का ही पता लिख सकते हैं, यानी गाँव का नाम लिख सकते हैं। आपके जन्म स्थान का नाम तो आपके गाँव का नाम ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपकी जन्म तिथि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत है नहीं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद जन आधार आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद में आपकी आधार आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्कूल और कॉलेज का नाम आप गए हैं हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज से खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका स्थायी पता देखने को मिल जाएगा, यानी आपके कंप्लीट एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएगी। और आप किस कक्षा तक या कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, आप पढ़े लिखे हैं तो आपने कहाँ से कहाँ तक और किस स्थान पर आपने पढ़ाई की है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप दे सकते हैं, अदरवाइज से खाली भी छोड़ सकते हैं।
अनपढ़ है वो इसे खाली छोड़ देंगे और जो पढ़े लिखे हैं वो आप अपनी यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लें। अन्य विवरण यानी स्वयं पिता का स्थान, अचल संपत्ति का स्थान यानी अपनी गांव का नाम को यहाँ पर वापस से एंटर करना, अपने गांव को नाम को एंटर कर देंगे। यहाँ पर क्या मतदाता सूची में स्वयं का पिता का पति का नाम है तो यहाँ पर आपको हाँ कर लेना है। यानी आप अपने परिवार, आपके परिवार राजस्थान में कितने समय से रह रहा है तो आप 20 साल, 25 साल, 30 साल जितने भी समय से यहाँ पर रह रहे हैं उसे यहाँ पर एंटर कर लेंगे। महिला है तो ऊपर जो जेंडर है उसमें महिला रहेगा तो यहाँ पर आपको विवाहित के लिए हाँ करना है, अविवाहित रहेगा तो यहाँ पर आपको नहीं कर लेना। टिक मार्क को कंप्लीट कर लेंगे। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो अभी बना हुआ है, बना ही रहे हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। मैं ज्यादातर ये काम लेता हूँ राशन कार्ड, राशन कार्ड में आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर होता है तो राशन कार्ड में चूज करूंगा, राशन कार्ड के नंबर यहाँ पर एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मैं राइट क्लिक कर लूंगा, आपका लेटेस्ट में बना हुआ राशन कार्ड है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेल्स ले लेगा, और आपका पुराना राशन कार्ड है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपके दिए गए डिटेल्स की ऑनलाइन डाटा नहीं मिला, कृपया स्कैन कॉपी अपलोड करें। तो ओके पर क्लिक करेंगे, राशन कार्ड की पीडीएफ बना लेंगे और यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करनी है। एजुकेशन का डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो, अनपढ़ है वो तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे नहीं, और जो पढ़े लिखे हैं उनकी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, चूज करेंगे उसके बाद अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपने खुद का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, पिता का वोटर आईडी कार्ड आपको यहाँ पर पीडीएफ में बनाकर अपलोड करना है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज ओल्ड डॉक्यूमेंट भी लिख कर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फाइल को चूज कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो ऑफलाइन फॉर्म तैयार करवाया है उसके 3 पेज की पीडीएफ आपको तैयार करनी है और यहाँ पर अपलोड कर लेना। यहाँ पर आपको एड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पीडीएफ अपलोड की है वो यहाँ पर एड हो जाएगी। आप इनमें से आपका कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ तो माइनस पर क्लिक करके फिर से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके पर क्लिक करेंगे, भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें, भुगतान के लिए बिल जोड़ें, भुगतान पर क्लिक करें, उसके बाद जारी रखें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। क्यूरो कोड से पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे के माध्यम से, नेट बैंकिंग से, इन बैंकों में से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं चूज कर रहा हूँ फोन पे। यहाँ पर आपको 40 रुपये का भुगतान करना होता है। फोन पे सिलेक्ट करने के बाद में पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक क्यूरो कोड मिल जाता है, सो कोड पर क्लिक करेंगे और अपना फोन पे से यहाँ पर इसे स्कैन कर लेंगे और पेमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ। जैसे पेमेंट करूंगा तो पेमेंट ऑफ प्रोसेस सक्सेसफुली हो चुका है, यानी 40 रुपये का जो है टोकन पे हो चुका है। इस प्रकार की आपको रसीद मिल जाएगी, इसे आप नोट डाउन या प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है सेवा सेवाओं के लिए सेवा कार्य प्रवाह, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डेट को चूज करेंगे, डेट चूज करने के बाद में फीडेज पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसका स्टेटस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन सबमिटेड। जब भी आपका तहसील से वेरीफाई होगा तो यहाँ पर अप्रूव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो टोकन नंबर है इसे आप कॉपी कर लेंगे और आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिटीजन ई मित्रा से मूल निवास बना सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।